मूवी की शुरुआत में हम एक कैट को देखते हैं जिसका नाम टीसी होता है। वो कैट वहाँ पर आराम कर रही होती है। जब उसका अलार्म बजता है तो वो कैट एक हेलीकॉप्टर में लटककर एक शहर के ऊपर से उड़ते हुए जाती है एक रेस्टोरेंट के पीछे, जहाँ पर बैठकर टीसी और उसका दोस्त बैनी मिलकर खाना खाते हैं। तभी टीसी को सड़क में एक लेडी कैट दिखती है तो टीसी उसका पीछा करता है। जब टीसी उसके पास पहुंचने वाला होता है तभी उसके सामने एक डॉग आ जाता है, उसका नाम ग्रिसवॉट होता है। तो टीसी उसको उल्लू बनाकर वहां से निकल जाता है, पर ग्रिसवॉट उसका पीछा करते हुए एक कंस्ट्रक्शन साइट में पहुंच जाता है, जहां पर टीसी उसके पीछे बड़े बड़े रोलर छोड़ देता है जिससे ग्रिसवॉट बाल बाल बचता है। पर टीसी किसी तरह से बचकर वहां से निकल जाता है और वो उस लेडी कैट के पास पहुंचता है जिसका नाम ट्रिक्सी होता है। तो ये दोनों कुछ देर वहां पर बातें करते हैं। जब टीसी अपने घर में पहुंचता है तो वहां पर पहले से उसका दोस्त बैनी होता है जो वहां पर सूप बना रहा होता है। तो वहां पर एक पुलिस वाला आता है जो उन दोनों कैट्स को कैनी हॉल से दूर रहने के लिए कहता है कि तुम दोनों वहां पर मत भटकना। तो उसके जाने के बाद टीसी वहां पर बहुत सारी कैट्स को वहां पर बुलाता है एक मीटिंग करने के लिए। जब टीसी उन सब कैट को कहता है कि हमें उस रूबी को चुराना है उस पुलिस वाले से बचते हुए, जब ये सारे कैट्स कैनी हॉल के बाहर पहुंचते हैं तो उन्हें अंदर जाने के लिए टिकट नहीं मिलती, इसलिए टीसी वहां पर एक आदमी से टिकट चुरा कर अंदर चले जाते हैं। जब वो पुलिस वाला महाराजा के पास से हटता है तो टीसी वहां पर आकर बैठ जाता है। जब वो महाराजा से वो रूबी चुराने की कोशिश करता है तो महाराजा उससे कहते हैं कि मेरी सारी रूबी अब ख़त्म हो चुकी है, इसलिए महाराजा उसे अपना फ़ोन दे देते हैं। जब ये वहां से जा रहे होते हैं तो वो पुलिस वाला उन दोनों को पहचान लेता है। वो उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है पर वो वहां से भाग जाते हैं। जब वो पुलिस वाला अपने ऑफिस में पहुंचता है तो उसके सर उसकी जगह किसी और को प्रमोशन दे देते हैं और वहां से चले जाते हैं का नाम स्टिक लैंड होता है। तो वो सब पुलिस वालों को नौकरी से हटाकर उनकी जगह रोबोटों को रख लेता है, पर स्टीकन लैंड उस पुलिस वाले को नहीं हटाता, उसे अपने ऑफिस में कंप्यूटर का काम दे देता है। तो जब वो कैट्स अपने घर की तरफ जाती हैं तो उनके घर के बाहर एक दरवाज़ा लगा होता है जिसे स्टिक लैंड ने लगवाया होता है। तो टीसी उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है जिस कारण से उसे ज़ोरदार करंट लगता है और स्टिक लैंड अपने ऑफिस में मेयर को अपना नया रोबोट दिखाता है जो शहर की सुरक्षा करेगा। और दूसरी तरफ टीसी अपने घर के दरवाजे को तोड़ने के लिए एक गोरिल्ला को लाता है जो उसके घर के दरवाजे को तोड़ देता है। पर जब टीसी उस गोरिल्ला को और खाने के लिए नहीं देता तो वो गोरिल्ला उन पर हमला कर देता है जिससे बचकर वो सारी कैट्स वहां से भाग जाती हैं और वो गोरिल्ला शहर में भी बहुत सारी तोड़फोड़ करता है। जब रात को ट्रिक्सी टीसी को खाना खाने के लिए बुलाती है एक रेस्टोरेंट में तो वो उसकी एक फ़ोटो ले लेती है। जब टीसी अपने घर में पहुंचता है तो उसके दोस्त टीसी से कहते हैं कि तुमने वहां पर चोरी क्यों की है, पर टीसी कहता है कि मैंने कोई चोरी नहीं की है। तो उसी समय वहां पर पुलिस आ जाती है टीसी को पकड़ने के लिए और उसके साथ उसका रोबोट भी होता है जो टीसी को पकड़कर एक डॉग जेल में भेज देते हैं जहां पर बहुत सारे डॉग्स होते हैं और वहां पर ग्रिसवॉट भी होता है। तो शहर के अंदर स्टिक लैंड बहुत सारे रोबोट को भेज देता है
सुरक्षा करने के लिए। जब ट्रिक्सी उस पुलिस वाले के पास जाती है उसे सबूत देने के लिए, जिससे ये साबित हो सके कि टीसी बेकसूर है, पर तभी कुछ रोबोट आकर उसका रास्ता रोकते हैं, पर किसी तरह से वो पुलिस वाला वहाँ से निकल जाता है और वो जा पहुँचता है उन कैट्स के पास, जहाँ पर वो पुलिस वाला उन कैट्स को बता देता है कि टीसी बेकसूर है, उसे फंसाया गया है, जहाँ पर ये सब मिलकर एक प्लान बनाते हैं टीसी को छुड़वाने के लिए। इसलिए ये और मदद मांगने के लिए एक आदमी के घर में जाते हैं, जो इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये उन सब को जेल के अंदर ले जाता है एक सुरंग की मदद से, जहाँ से ये सारे टीसी को लेकर वहाँ से बाहर भाग जाते हैं और सीधा स्टिकलैंड के घर के बाहर जाते हैं। तो वो कैट्स वहाँ पर उन रोबोट के कपड़े पहनकर उसके घर के अंदर चली जाती हैं, जहाँ पर स्टिकलैंड वहाँ पर बहुत सारे लोगों को बंदी बनाकर अपनी जेल में रखा होता है। जब टीसी स्टिकलैंड के पास जाता है उन रोबोट्स को बंद करने के लिए, तो स्टिकलैंड वहाँ पर एक रोबोट को बुला लेता है टीसी को पकड़ने के लिए, पर टीसी उस रोबोट को उस फोन से बंद कर देता है जिसे उस राजा ने उसे दिया होता है। तो वो रोबोट उस मशीन को तोड़ देता है, जिससे वो सारे रोबोट भी तबाह हो जाते हैं और वो सारे लोग छूट जाते हैं। तो मेयर उस पुलिस वाले का प्रमोशन कर देता है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। और हम मिलते हैं एक नई मूवी के साथ अगली बार, एक बेहतर एक्सप्लेनेशन के साथ। गुड बाय।